सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू बैग। फिर से आपका स्वागत है न्यू वीडियो में। सो गाइस फाइनली मैं आपके लिए फिर से एक न्यू नियो बैंक लेके आ चुका हूँ। ये नियो बैंक भी होने वाला है माइनर्स के लिए, यानी कि अगर आप अंडर 18 हैं तो भी आप ये नियो बैंक जो है इस ऐप को यूज कर पाएंगे। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ताकि जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में सबसे पहले नया नियो बैंक आया है। सो ऐसे ही जितने भी कोई भी नया नियो बैंक आता है सबसे पहले वीडियो हमारे चैनल पे आती है। सो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, मुझे अपना सपोर्ट दिखाना तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए न्यू वीडियो लेके आने के लिए। सो इसका नाम है युवा पे, ये भी यस बैंक की तरफ से है। मतलब यस बैंक तो हर टीनेजर्स को एटीएम कार्ड प्रोवाइड कर देगा, यानी कि ये ऐप भी यस बैंक के साथ है। जैसे वाई पे फाइव ऐसे यस बैंक के ऐप्स हैं, वैसे ही युवा पे भी यस बैंक का ऐप है और इसमें भी हमें अपना डेबिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, ताकि इसमें हमें फिलहाल सिर्फ वर्चुअल कार्ड मिलता है, हमें इसका फिजिकल कार्ड नहीं मिलता और फिजिकल कार्ड भी काफी जल्दी ये शुरू कर देंगे सर्विस प्रोवाइड करना। सो गाइस अब आप जान लीजिए था कि कैसे आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे अकाउंट बना के, क्या इस ऐप के फीचर्स हैं और सारा कुछ। और इस ऐप में आपको यूपीआई भी मिल जाएगा, मैं आपको सारा डिटेल में बता दूंगा। सो अब चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन में। उससे पहले मैं बता दूंगा कि अगर आप मतलब ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये वाला रेफर कोड जरूर डाल देना और आपको 2000 पॉइंट मिल जाएंगे जिससे आप रिडीम कर पाएंगे। सो फटाफट से आप साइन अप प्रोसेस देख लीजिए, मैं मिलूंगा वीडियो के एंड में। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने युवा पे ऐप ओपन कर लिया है। इसमें आपको साइन अप करने के लिए आपको अपना नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के पैन कार्ड भी डालना होगा। पैन कार्ड अपना अपना माइनर पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास माइनर पैन कार्ड नहीं है तो आप पेरेंट का पैन कार्ड डाल सकते हैं, वो ये वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। साइन अप करते वक्त आप मेरा रेफर कोड यूज़ कर लेना, आपको शो हो रहा है और आपको 2000 पॉइंट मिल जाएंगे। रिवार्ड पॉइंट्स कैसे रिडीम होंगे और हमें क्या मिलेगा ये अभी फिक्स नहीं है, जब मुझे पता चल जाएगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिचार्ज एंड बिल पेमेंट की सारी ऑप्शन है। यहाँ पे हम कितने सारे चीज़ों के रिचार्ज कर सकते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे इंश्योरेंस है, यहाँ पे रिवार्ड्स हैं, आपको अपने सारे रिवार्ड शो हो रहे होंगे यहाँ पे जो आपने इसमें विन किया, यानी कि आपको हर ट्रांजेक्शन पर रिवार्ड मिलेगा। काफ़ी अच्छी बात इस ऐप की हो जाती है। मैंने ऊपर आपको यहाँ पे इस लिंक दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारी UPI ID लिखी होगी। UPI ID आपको तब मिलेगी अगर आपका बैंक अकाउंट है। जब आप इस ऐप में बैंक अकाउंट लिंक कर लेंगे तो आपको अपनी UPI ID भी मिल जाएगी। सो अगर आप UPI नहीं यूज़ करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको UPI ID चाहिए आप पेटीएम का पेमेंट्स बैंक खोल सकते हैं। अंडर 18 भी मैंने उसकी फुल KYC कर ली, आप चैनल पे वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पेटीएम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने सारी KYC कर ली। यहाँ पे अकाउंट की ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आपके अकाउंट की बेसिक डिटेल शो हो रही होगी। यहाँ पे कस्टमर केयर का है, यहाँ पे वापस हम होम पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफर जो सी यहाँ पे चल रही है डिस्काउंट ऑफर्स। यहाँ पे है ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा कार्ड। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पे नाम आ जाएगा हेलो यतीश मंगला और यहाँ पे जब हम अपना पिन भर देंगे 6 डिजिट का हमें कार्ड की डिटेल शो हो जाएगी। काफ़ी अच्छा कार्ड है, होप हमें जल्दी फिजिकल कार्ड भी मिलने लग जाए तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। और कल एक और न्यू बैंक की वीडियो आने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे आपको अपनी ट्रांजैक्शन दिख जाएंगी। यहाँ पे स्कैन एंड पे है, जैसा कि मैंने बताया अगर आप बैंक लिंक कर लेंगे आप स्कैन एंड पे कर पाएंगे। सो ये था सारा ऐप, आप फटाफट से साइन अप कर लीजिए अपने पेरेंट का पैन कार्ड या अपना माइनर पैन कार्ड यूज़ करके और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी ले लीजिए और साथ में आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा और वीज़ा कार्ड है, सबसे अच्छी बात वीज़ा कार्ड है। सो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, यहाँ पे आप सारे सर्विसेज उनके यूज़ कर पाएंगे। सो अब मैं आपको बता दूँ। सो गाइस इस तरह आपने जब सारा ऐप का प्रोसेस देख लिया, ऐसे ही आप ये ऐप यूज कर सकते हैं। आपको अपनी KYC के बाद सिर्फ आधार कार्ड की इंस्टेंटली आपका वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा जो आप ऑनलाइन कहीं पे भी यूज कर पाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। और इसमें आपको फीचर्स को आपको पता लगेगा, हर चीज की बिल पेमेंट कर सकती है। सो मैं आपको बता देता कि ऐसी हर न्यू बैंक की वीडियो सबसे पहले आती है, कोई भी नया ऐप आएगा सबसे पहले हमारे चैनल पे आएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतनी जल्दी अगला न्यू बैंक आएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, गुड बाय।